नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एक तरफ प्रदेश सरकार विकास को लेकर लगातार प्रयासरत है, वहीं योगी सरकार में नगर पंचायत अधिकारी विकास के नाम का पैसा ठेकेदारों के साथ में खाने में लगातार मस्त हैं। उन्हें किसी भी तरीके का सरकार का खौफ नहीं है। पूरा मामला जनपद कानपुर देहात मूसा नगर पंचायत का है, जहां के जिम्मेदार अधिकारी कहे जाने वाले अधिशासी अधिकारी पवन किशोर मौर्य का कारनामा देखने को मिल रहा है। जहां कोविड-19 के दौरान सरकार द्वारा नगर विकास को लेकर मुट्ठी भर पैसा दिया गया, वहीं अधिशासी अधिकारी ठेकेदार के साथ में मिलकर विकास के नाम पर धरातल में रोड नाली बनवा रहे हैं। जहां ठेकेदार अधिशासी अधिकारी की मिलीभगत से विकास के नाम पर खाना पूर्ति कर घटिया सामग्री से निर्माण करवा कर सरकारी पैसे का बड़े पैमाने पर गमन कर रहे हैं। घटिया सामग्री से हो रहे निर्माण कार्य से नाराज ग्रामीणों ने कार्यस्थल पर जमकर हंगामा काटते हुए अधिशासी अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जब मौके में पहुंचे पत्रकार ने इस मामले को लेकर अधिशासी अधिकारी से बात करनी चाही तो जांच का हवाला देकर कार्यस्थल पर पहुंच गए। वहीं पत्रकार द्वारा पूछे जा रहे सवालों से घबराकर वे भागते हुए नजर आए। जहां एक ओर पूरा देश कोविड-19 जैसी भयानक बीमारी से परेशान है, लोग दाने दाने को मोहताज हैं, वहीं दूसरी ओर पवन किशोर मौर्य अधिशासी अधिकारी विकास के नाम का पैसा ठेकेदार के साथ मिलकर डकारने में लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज की खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ जंग बहादुर सिंह। और लगातार इस समय वैश्विक महामारी के दौरान में एक ओर जहां पे लोग दाने दाने को मोहताज है, वहीं दूसरी ओर यहां पे कुछ जिम्मेदार अधिकारी अपनी लापरवाही दिखाई मिली भगत, जिसके चलते यहां पर जो विकास कार्य हो रहे हैं ये हम मौजूद है खारे शहर मूसा नगर क्षेत्र में। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि ये यहाँ पर रोड बनवाने का काम चल रहा है और यहाँ पर जो बॉर्डर बनते हैं रोड के किनारे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकारी और लोगों के पैसे को चाटा जा रहा है। इसमें कुछ भी नीचे नहीं है और यहाँ पर निर्माण लगातार हो रहा है और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग लगातार आपत्ति भी दिखा रहे हैं। और जब इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई, यहाँ की अधिशासी अधिकारी मूसा नगर से, तो वो बता रहे कि मुझे जानकारी ही नहीं, जबकि ये लगातार देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग है अधिशासी अधिकारी की जहाँ पर बैठे हुए हैं। और उनका कहना है कि हमें जानकारी, जबकि चंद कदमों की दूरी पर ही कार चल रहा है, लगातार ये मटेरियल देख सकते हैं किस तरीके से गला हुआ है। लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर अधिकारियों की मिली भगत के चलते यहाँ पर ठेकेदार मनमानी कर रहा है। ये और भी हम आगे नजारा दिखाएंगे कि ये नीचे का भी दिखाएंगे कि सरकार एक नंबर का पैसा देती है मटेरियल के नाम पर, यहाँ पर दो नंबर ईटा लगाया जा रहा है। ईटा भी पूरी तरह बेकार है। अगर बात की जाए तो एक बरसात भी नहीं झेल पाएगा ये रोड, ना ये दीवारें बॉर्डर, सब बेकार हो जाएंगी। अगर मोहरम की बात की जाए तो मोहरम की भी क्वालिटी देख सकते हैं, ये बजरा वाली कितना गंदा मटेरियल, न छाना है न साफ है न सफाई, और ऐसे ही मिलाया जा रहा है। लोग लगातार कह रहे हैं 15 तसले मोहरम और आधा तसला सीमेंट का काम हो रहा है। ये चिवाले लगातार बनाई जा रही है, आप देख सकते हैं इसमें मसाले के मानक में ये 5 घंटे 6 घंटे पहले बनाई गई थी, इसमें कोई भी सीमेंट का नाम ही नहीं है। और हमारे पीछे देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर गांव के लोग खड़े हैं जो आपत्ति दिखा रहे थे, और यहाँ उनका कहना था कि यहाँ पर अधिकारी खुद ऐसे काम करवा रहा है। इसी के लिए भी बात करेंगे कि और भी लोग बात करेंगे और आगे नजारा दिखाएंगे कि लोग क्या कहते हैं। मजबूत अच्छे देखिए, चिन्नी मजबूत है, चिन्नी मट्टी निकल रही है, नींव मजबूत नहीं है। अरे कुछ ने 2 मिनट में देखिए, ये मसाला लग रहा, ये मसाला जब कितने का हम बता रहे हैं, नीचे 15 तसले मोहरम वो आधा तसला सीमेंट लग रही है। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है पूरी यहाँ पर विकास हो, धुआंधार हो, अच्छा मजबूती के साथ हो, अन्यथा ना हो। ना ना, बिल्कुल ना हो, बिल्कुल सही है। हाँ, आप थोड़ा नीचे भी करो। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद कलीम है। कहाँ रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं, खाले शहर बांगर। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है की देखो काम हो रहा है, ये देखो कहाँ पे इसकी बुनियाद है, कहाँ पे कोई नींव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे ही सिर्फ वक्त 2-4 लोहे बिछा गए और उसकी दीवार बनाई जा रही है। ये पक्का मजबूती होना चाहिए, हवा घर बनाते हैं तो पहले उसकी नींव लेते हैं, नींव के बाद में बुनियाद रखते हैं।